ब्रिस्टर साहब खुद आ रहे हैं तो ब्रिस्टर इकबाल मुझे जो है ना मौका मिल गया, पास से मिलने का। ये उनकी चेयर है, इस प्लेट में वो खाना अपना गर्म किया करते थे, ये डिश थी और ये इकबाल साहब को कहा था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वाई शेयर मुगल एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो यार आज सीन कुछ ऐसे है कि आज है 9 नवंबर, इकबाल साहब की बर्थडे, अल्लामा इकबाल मोहम्मद एडवोकेट अल्लामा इकबाल। और आज मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम है एडवोकेट अली जट। तो यार उसकी मुझे कॉल आई है बहुत देर बाद कि यार आज आज कोलैबोरेशन करते हैं, व्लॉग शूट करते हैं, जाते हैं इकबाल साहब के घर और वहाँ जाके व्लॉग शूट करते हैं। तो यार बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होगा, बहुत मजे का व्लॉग होगा। सो चलते हैं, उसको पिक करते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं इकबाल साहब के घर। सो लेट्स गो। फाइनली हम लोग निकल गए हैं और चलते हैं जल्दी जल्दी, देखते हैं किधर पहुंचते हैं। हमारे जट साहब जो है ना आ चुके हैं, मेरे चौथे चक्कर लगाने के बाद जो है ना मुझे जट साहब ये मिल गए हैं यहाँ पर, ये देखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक जट साहब, आप सुनाए। चले जट साहब एक उन्होंने उनको पता चला था ना कि ब्रिस्टर साहब खुद आ रहे हैं, तो ब्रिस्टर इकबाल साहब ने चाय पानी का भी इंतजाम किया। तो हम मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस जाके आपको इकबाल साहब के घर। जी 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 चले। तो यार फाइनली हम लोग चलते हैं इकबाल साहब के घर, जट साहब तुम्हारे साथ आ गए हैं तो जट साहब के साथ लेते हैं। साथ है तो फिर किस चीज़? हाँ ब्रिस्टर साहब, ब्रिस्टर के वकील, वही होता है। चलो ब्रिस्टर साहब साथ चलते हैं हम लोग इकबाल साहब के घर। जैसे कि हम लोग तो जा रहे हैं इकबाल साहब के घर और ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह रोड्स धूल मिट्टी। तो एक चीज मुझे सीखने को मिली है कि लड़कियां तो पैसे लगा के मेकअप करवाती हैं, हमारा मुफ्त में और है ठीक है। और जट साहब भी जो है ना वो यही देख रहे हैं कि यार मेकअप समझ लगे मास्क पहना हुआ आपने, जट साहब यही ना ब्लॉग ना देना, गिर पड़ जाइए ऐसी। ये यार इकबाल साहब के घर के बिल्कुल पास हम पहुंच गए। इकबाल साहब राम सुकून कर रहे थे, लेकिन बाइक पार्क कर दिया और इकबाल साहब के घर में आगे अली जट साहब भी लॉगर जो है वो जा रहे हैं बाजार के अंदर से। यार ये हमारे सियालकोट की पहचान, इकबाल साहब घर हमारे पास, इसीलिए जट साहब अपनी मुझे मशक्कत में मुझे पहुँचाते हुए इकबाल साहब के घर कहते हैं आज मैं तुम्हें इकबाल साहब के घर पहुँचा के दिखाऊंगा। जट साहब अगर उन्होंने एंटर ना दिया तो फिर देखना, वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है जट, वो देख लाइन चेक कर, ये अंदर जाने के लिए लाइन है। चलो कोई बात नहीं, हम ब्लॉग के लिए लाइन भी पार करेंगे। यस जट साहब कह रहे हैं यार ब्लॉग के लिए हम लोग लाइन भी पार करते हैं और देखते हैं कैसे बढ़ते हैं हम लोग। इकबाल साहब के घर के बिल्कुल सामने पहुँच गए हैं, ये उनका मेन गेट है घर का, जैसे वो एंटर होते थे। बहुत ज़्यादा स्टिल ये देखें, यहाँ रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अंदर जाने के लिए। तो यार ये फाइनली हम लोग अंदर एंटर हो गए और ये इकबाल साहब की जो है वो लाइब्रेरी है, इधर वो बैठ के पढ़ा करते थे बुक्स वगैरह। तो यार ये जो है ना इकबाल साहब का जिसे हम कह सकते हैं लॉन टाइप, जिधर वो बैठते थे और इधर वो बैठा करते थे। और ये यहाँ पर जो है ना बनी हुई और इकबाल साहब की बर्थडे। मैं तो यार अंदर आ गया हूँ और जट साहब हमारे बाहर रह गए, उनको मैंने पहले भी बोला था मैंने चले जाना हमें। यार उनका तो हमारा मुश्किल हो गया, हम लोग फाइनली पहुँच गए और आपको पूरा बिजनेस करवाते हैं, फिर जट साहब को जो बनाएंगे तो उनको साथ हम शेबी व्लॉग्स। यार शेबी व्लॉग्स यार इलामा इकबाल साहब के बेटे पोते हैं ये प्ले है। अच्छा कौन से वाले? इलामा इकबाल यार, ये जो सारे घटता उधर से आप देख लेना। तो यार ये जस्ट मुझे भी नॉलेज में होल्ड अप हुआ है कि ये जो इकबाल साहब है ना, ये इलामा इकबाल साहब, ये उनके पोते हैं जो केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं। ये इकबाल साहब के पोते हैं जो है ना केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत जो है ना वो फख्र की बात है कि इकबाल साहब घर यहाँ पे है। और फाइनली आज ऐसा मौका मिल गया कि मुझे उनके जो है ना पोते से मुलाकात करने का मौका मिल गया, फाइनली मुझे जो है ना मौका मिल गया उनके पास से मिलने का। बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए जो है ना मैं उनके पोते से मिल गया। और फाइनली हमारे जट साहब भी हमारे पास आ गए हैं,
डॉक्टर साहब ये लमक बाल के पोते थे, पोते थे जो आगे की है जो अभी शक्ल मिल रही है आपको पता चल रहा होगा। सो उधर से स्टार्ट करते हैं, उसको घूमते हुए पड़ जाएंगे। हाँ तो यार हम लोग विजिट करते हैं टोटली कंप्लीट, आपको भी साथ लेके चलते हैं क्योंकि आपको हमें थोड़ी स्पेस मिल गई है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे आपको कुछ दिखा सकें। तो यार ये उनके घर की टोटली है ना ऊपर से रूफ टॉप है, जैसे थोड़ी सजावट हुई है इसलिए क्योंकि बहुत ओल्ड बिल्डिंग है। तो यार हमें तो यार ये हमें काफ़ी भाई लोग यहाँ पे मिल रहे हैं जो चैनल्स वगैरह का हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई भी मौजूद है। तो यार केक तो ये आप केक भी आप देख सकते हैं, जो भी केक कटिंग सेरेमनी हुई है लंबा के पोते ने केक कटिंग सेरेमनी की है, ठीक है इकबाल साहब की। और बड़ी कोशिश की है जट सा मैंने उठाने की नहीं मिला। तो यार आप लोगों को टूर करवाते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा और यहाँ पे घूमने की जगह मेरे छः बी ब्लॉग्स ठीक है। हाँ ठीक है यार ये भाई चैनल देखना जरूर, आपका ब्लॉग आज ही आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यार छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं यही मतलब कि एक बार साहब को देख लें उनके घर को देख लें। और कुछ ना ये है कि देखें आप देख सकते हैं रश जिस तरह कोशिश करते हैं जगह मिले। यार शजरा इकबाल जी इकबाल साहब है और ये अलामा इकबाल अपने बेटे के साथ है। ये क्या है नमाज़े जनाजा आमीन, ये इकबाल साहब की शायरी है। और ये हम उनके ना एक रूम में एंटर हो रहे हैं, अब ये नहीं मुझे पता ये किसका रूम है, लामा का रूम है यार ये लामा का नहीं हो सकता ना किसी जानने वाला का किसी। यार फाइनली जो है ना ये हम ये आए हैं एक रूम में और इधर जो है ना जवेली में ये वो जगह है जहाँ पे लामा इकबाल पैदा हुए थे। ये आगे लिखा हुआ है वो देखो क्रीमी बीवी फर्स्ट वाइफ ऑफ लामा इकबाल की बीवी, ये जो है ना लामा इकबाल की बीवी है और ये दूसरी बीवी है। जट साहब उन्होंने दो शादियाँ की थी, जट साहब ये आपका शूट कर लिया मैंने। और ये वो जगह जिधर लामा इकबाल पैदा हुए मतलब वो झूला झूला झूलते थे बच्चे। यार जट साहब क्या हो गया, ये उनकी चेयर है जिधर वो बैठ के आराम सुकून करते थे और आराम सुकून किया करते थे। और ये अब हम दूसरे कमरे में एंटर होने जा रहे हैं, ये वो कमरा है जिधर लामा इकबाल जो है ना पैदा हुए थे। और ये वो बेड है इधर लामा इकबाल साहब बचपन में आराम किया करते थे क्योंकि इनकी पैदाइश का कमरा इस कमरे में पैदा हुए थे। और जो है ना ये है इमाम बीबी लामा इकबाल साहब की वालदा। और ये इधर से एक और कमरे में मेंटर हो गए हैं, इस कमरे में ये उनके पोते हैं मेरे दोनों पोते हैं। हाँ ये उनके पोते हैं, ये सर्टिफिकेट उनके रिसर्च का। और ये कमरा है ये लामा इकबाल साहब के मेडल्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। और ये छोटा रूम है, इस रूम में ना मतलब कि अभी वो इतने ज़्यादा इसलिए मुझे अब समझ आई एंटर नहीं होने दे रहे क्योंकि घर ना बहुत पुराना बना हुआ है और अब ज़्यादा अगर उस पर लोड होगा तो शायद घर गिर भी सकता है, तो इसलिए जो है ना उस पर थोड़ा सा है इस तरह ऊपर जाना जट सब अब सीढ़ियों पर आहिस्ता चले। ये स्टोर रूम टाइप है मेरे ख्याल से। और यार हम लोग अब ऊपर ही शक्ल से ऊपर चढ़ रहे हैं और ये उनका ऊपर से हॉल है इधर वो, और देख सकते हैं कि आप किस तरह ये क्राउड वगैरह इसी तरह यही है। ये जो आगे वाले नहीं क्लासेस वाले तो वो यहाँ पे जो है ना टूर करने आए हुए इधर ने मतलब टूर किया यहाँ से। और हम लोग को जो है ना ये इकबाल साहब के जो है ना पोइट्रीज वगैरह
और वगैरह लगी हुई है। हम करते हैं थोड़ी सी कोशिश कि जैसा कोई साथ लें हम और जो है ना मुझसे मिल सके। फाइनली तो वो थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं कि जो चीज़ें वगैरह यहाँ पर लगी हुई है वो किस मतलब के हैं और उधर है अकबाल साहब की जो उन्होंने मतलब जिस तरह उन्हें किया हुआ है, ये उनकी सारी फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर ही लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। बट ये है कि यार रश की वजह से बहुत मुश्किल हुआ वो लॉक जो है बनाना, बेहतर है। तो फाइनली उनके एक और रूम में आए हैं और ये जो है ना उनका होल्डर पेन है और ये उनके ना बेटे की या पोते की बचपन की फ़ोटो है। हाँ, इस प्लेट में वो खाना अपना गर्म किया करते थे, ये डिश थी और ये एक बाल साहब का हुक्का था, ठीक है, जिसमें वो हुक्का भी आ करते थे। जैसा भी ये क्या है बोला, जैसा भी ये क्या है। हाँ यार ये ना टोटली फैमिली की फोटोज है, पोते हैं वो भी वकील हैं माशाल्लाह, क्या बात। और ये जो है ना बेड पर बैठना मना है, इधर लिखा हुआ है बेड पर बैठना मना है। और ये भी जो है ना इकबाल साहब का जो है ना वो बेड ही था और ये उनकी बुक्स वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर जो वो बुक्स पढ़ा करते थे। फाइनली उनके एक रूम में एंटर होया जिसके अंदर उनकी फ़ोटोज़ वगैरह तो अवेलेबल है, जैसा भी स्विच टॉप के लगे हुए हैं मेरे ख्याल से। और जैसे और ये उनकी लाइब्रेरी है डॉक्टर साहब, ये लाइब्रेरी है इधर वो बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे। और यहाँ पे भी एक बेड पड़ा हुआ है लेकिन इस पर नहीं लिखा हुआ, इस पर बैठना मना है। तो ये इकबाल साहब की एक पेंटिंग है और ये मेरे ख्याल से कारपेट है, ये कारपेट है जो उनका जो है ना पड़ा होता था कारपेट। और पोइट्री वगैरह तो यार उनकी कुछ कुछ मुझे याद हैं और मैं पढ़ता भी हूँ कुछ थोड़ी थोड़ी पोइट्रीज, सो इसलिए जो है ना ये है। लेकिन ये है कि यार रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्लॉग पर रहना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। जगह ये जो उन्होंने बंद की हुई है और इतना सही क्योंकि ये देख सकते हैं तब छोटे छोटे घर हुआ करते थे और हम लोग फाइनली बहुत मशक्कत के बाद अपना ब्लॉग मुकम्मल शूट कर पा रहे हैं और टोटली घर का जो है ना हम टूर कर सके हैं। तो जट साहब तो बाहर पहुँच रहे हैं ऑलमोस्ट आई थिंक सो, और उम्मीद है कि हम भी पहुँच जाएँ उनके पीछे पीछे क्योंकि यार रश बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल है नीचे उतरना भी। आप देख सकते हैं क्राउड बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है यहाँ पर। यार भाई ये कह रहे हैं भाई हमें मिले हैं यहाँ पर, ये भाई कह रहे हैं यार हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो भाई ने कह दिया तो यार कर देना। सो देख सकते हैं यार सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है यहाँ पर, पुलिस वाले भी मौजूद हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। जट साहब अपना ब्लॉग बहुत मुश्किल से शूट कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, तो कोई उनको कह रहे हैं भरूपी हैं ये। सो फाइनली यार बहुत मशक्कत के बाद हमने अपना टोटली घर का उनका टूर कर लिया है, ये फाइनली बैक से वापसी यहाँ से है कि जो इनका टोटली घर है आज इसको लाइटिंग की हुई है बिकॉज ऑफ देयर बर्थडे, वो सी नॉर्मल लाइफ में लाइट्स वगैरह नहीं होती। और वापस चलते हैं अपनी बाइक की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं पसीना गर्मी अंत गर्मी, ऊपर से मैंने पहन दिया। जैसे आप किधर जा रहे हो, ये है बाइक, नहीं नहीं प्रोग्राम बच गया है ब्लॉग की जो ये मेरा भी टूट है ना जरा ये ले। इस ब्लॉग का सबसे अच्छी चीज जो नहीं है वो ये है कि इकबाल साहब के पोते भी वकील है, ये भी वकील थे, मैं भी वकील, क्या बात है। तो हाँ यार वैसे ये हमारे जट साहब जो ना ब्रिस्टर बन रहे हैं, ये ब्रिस्टर साहब बन रहे हैं, तो खुशी इस चीज़ की हुई है कि जो इकबाल साहब के जो पोते हैं ना वो भी लॉयर हैं, ठीक है, तो माशाल्लाह हमारा दोस्त है वो भी लॉयर बन रहा है, तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि फाइनली कल को बड़े हो गए जो आप उनकी तरह बनोगे बोलो इंशाल्लाह बनना है। तो यार फाइनली हम लोग निकलते हैं क्योंकि गर्मी से बुरा हाल है, तो आप भी साथ ही लेकर चलते हैं। हम जट साहब को वापस ड्रॉप करने आ गए हैं, जट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जट साहब व्लॉगर ने आज हमें टाइम दिया, तो यार उनके चैनल को व्लॉगर कहा है ना यार, आप व्लॉगर ना कहा करें, ये बस वैसे ही शुगर मेले के लिए बनाते हैं, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर वर्ल्ड साइको, जी वर्ल्ड ऑफ साइको, ठीक है। शुएब भाई को हम बाय बाय करेंगे, बाय बाय जाट साहब, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ओके बाय बाय जाट साहब, आप बाकी सब्सक्राइब बटन दबा दें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, यो ठीक है, ओके जाट साहब।
सो यार फाइनली बैक टू होम, आपका भाई घर वापस आ गया है, अली जट को ड्रॉप किया और फटाफट घर पहुंचा। तो सो होप यू ब्लॉग को करते हैं, होप सो आपको ब्लॉग का मजा आया होगा, आपने थोड़ा बहुत बड़ा टूर भी किया कम्प्लीट कर, टूर नहीं करवा पाया जैसे आपको पता है तो क्राउड बहुत ज्यादा था उधर और ये का कुछ जगह थी जो उन्हें बंद की हुई थी। लेकिन जो प्राउड मोमेंट ये था कि मैं उनका जो अलामत पास सबके पहुंचे थे उनको मेरी उनसे मेरी मुलाकात होगी, तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। उनको मैं आज फर्स्ट टाइम सियालकोट में रहते उनको मैं लाइव मिला हूँ, तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। होप सो आपके ब्लॉग का मजा आया होगा। सो ब्लॉग को करते हैं एंड, मस्ट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना, इंस्टाग्राम मेंशन करो फॉलो कर लो जाके। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।